बेटे और ज़्यादा नज़दीक आ रही है और साफ तौर पर आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल से हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। कोरोना की तीसरी लहर राजस्थान में भी दस्तक देती हुई नजर आ रही है। जयपुर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हम खड़े हुए हैं कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में। यहाँ हम रियलिटी चेक करना चाहते हैं कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर पालना की जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये तस्वीर आपको चौंकाने वाली ज़रूर मिलेगी कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अभी भी मास्क का प्रयोग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, मगर अभी भी लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि कहीं ना कहीं वापस भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल के बाहर दो बुजुर्ग दंपत्ति देखे जा सकते हैं जिन्होंने न कोई मास्क लगा रखा है, और अभी अगर बात की जाए तो ये सबसे संक्रमित जगह मौजूद है, क्योंकि मौसमी बीमारियों के साथ साथ कोरोना लगातार कहर बरसा रहा है। जिस तरह से पहले यहाँ पर कोरोना के मरीज जरूर कम होते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर वापस अगर स्थिति की बात की जाए तो कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सामने की कुछ तस्वीरें ऐसी भी होगी जो कुछ युवा हैं जो बैकऑफ होकर अस्पताल पहुँच रहे हैं, न इनके पास कोई मास्क है, न किसी प्रकार की अब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की जा रही है। अस्पताल में लोग किस तरह से बेफिक्र होकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। सुरक्षाकर्मी भी इनको कई बार समझाते हैं कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मगर जो जनता है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के हालात वापस कोरोना की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। गनीमत की बात ये है कि कोटा में अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव रोगी मौजूद नहीं है, मगर अगर सस्पेक्टेड रोगियों की बात करें तो लगातार कोटा शहर में भी सस्पेक्टेड रोगी पाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विषय चिंता का है, मगर लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, क्योंकि लोग जागरूक होने को तैयार नहीं। वापस फिर लॉकडाउन की ओर इस तरह के हालात अग्रसर कर सकते हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो भाई प्रदेश में कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। जयपुर में स्कूली बच्चों के